हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ ममता। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये खूबसूरत पाम लीव्स मैंने घर पर कैसे बनाई है, और इन्हें मैंने एक ऐसी चीज़ से बनाया है जो हम अक्सर यूज़ करके फेंक दिया करते हैं। तो चलिए, आप भी जानना चाहते हैं वो क्या चीज़ है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वो चीज़ है ये पेपर बैग्स। जब भी हम कोई सामान मंगाते हैं तो हमें हमेशा इसी तरह के पेपर बैग्स में सामान आता है, और सामान निकाल कर हम हमेशा उसे फेंक दिया करते हैं। तो आज हम उन्हें फेंकेंगे नहीं और इन्हीं के साथ बनाएंगे पाम लीव्स। सबसे पहले मैंने इस पेपर बैग्स के तीनों साइड वाले कॉर्नर बॉर्डर्स निकाल लिया है जो हमें स्टेम बनाने के काम आएगा। ये वाला पार्ट इसलिए क्योंकि ये डबल पेपर है और ये आपस में चिपका हुआ भी है, तो स्टेम बनाने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हमें इसका मेजरमेंट रखना है 1.8 सेंटीमीटर और वर्टिकल लेंथ रखना है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप स्टेम बनाने के लिए थिन कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे इक्वली, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर फेविकोल लगा के इसको स्टिक कर देंगे आपस में ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब हम रूलर की हेल्प से एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखते हुए 15 सेंटीमीटर तक मार्क करेंगे। अब हमने जो पेपर निकाला था उसके ऊपर हम रूलर से मार्क करते जाएंगे 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखते हुए 35 सेंटीमीटर तक पॉइंट लगाएंगे। हॉरिजेंटल वे में हम इस तरह से लगाएंगे, और वर्टिकल वे में हम 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखते हुए 3 पॉइंट्स लगाएंगे और इनको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने 15 बॉक्स बना लिए हैं, अब हम इन्हें कट कर लेंगे। तो हमें एक पाम लीव बनाने के लिए इस मेजरमेंट के साथ 15 पीसेस लगेंगे। तो सबसे पहले हमें एक पीस लेना है और उसे इस तरह से हाफ फोल्ड करना है बीच में से, और फिर जब वो बीच में से फोल्ड हो जाएगा तो फिर हमें एक वाला ऊपर वाला पार्ट लेना है, उसको फिर से हाफ फोल्ड करना है। उसके बाद हमें अपोजिट साइड से वापस से हाफ फोल्ड फिर से करना है। तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम इसे सीजर से बीच में से कट कर लेंगे और हमें इसे पूरा काटना है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है जो ओपन रहेगा, उस तरफ से हमें इसे एक लीफ का शेप देना है। गोलाई में इसे थोड़ा सा कट करना है, पूरा नहीं, थोड़ा सा, इसको इस तरह से। उसी तरह से हम एक और पीस लेंगे और सेम वे में इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें इसे पूरा नहीं काटना है, हम इसे थोड़ा सा बचाएंगे नीचे की तरफ से। इस तरह से ये जुड़ा हुआ रहना चाहिए, और जो ओपन का पार्ट रहेगा इसे इस तरह से वापस से फोल्ड करके ऊपर की तरफ से हमें इसे लीफ के शेप में सेम वे में कट करना है। इस तरह से हमारी लीव्स बन जाएगी। अब दोनों लीव्स के बीच की जो जगह है वहाँ पे हमें थोड़ा सा फेविकोल या कोई सा भी ग्लू लगाना है और उन्हें स्टिक करना है आपस में इस तरह से, और इस तरह से हमें बाकी के 14 पीसेस रेडी करने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे लीव्स बना के रेडी कर ली है। अब हम इन्हें स्टिक करेंगे। जो हमने एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो मार्क किया था, हम उसी के ऊपर हम इन्हें स्टिक करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने वन पीस की जो लीव बनाई थी, सबसे पहले जो सेपरेट करके उसे लगाएंगे, उसके बाद हम फेविकोल अप्लाई करके दूसरी लीव को लगाएंगे। ओपन वाला पार्ट ऊपर रहेगा और नीचे की तरफ से हम उसे लगाते जाएंगे बस। इस तरह की पाम लीव्स आप कलरफुल पेपर के साथ भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने तो यहाँ पे जो वेस्ट जाने वाला पेपर था उसके साथ ट्राई किया है, और ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, एकदम रियल लुक लग रहा है। और मैंने इसे एक वास में थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है लगा के, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। और इसके साथ हम बहुत सारा तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए, तो वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कुछ नया ट्राई करके।
तो आपके पास भी रखे हैं इस तरह के पेपर बैग्स तो देर किस बात की, बना लीजिए। इस तरह की पाम लीव्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे और घर में आप लगाइए, डेकोरेट कीजिए, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।